भारतीय स्टॉक मार्केट का शुमार दुनिया की चौथी बड़ी स्टॉक मार्केट में होता है इसकी तारीख पर नजर डालें तो सन अठारह का भारत में आगाज हुआ जिसे बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बी के नाम से जाना जाने लगा यह एसोसिएशन 318 सौ के साथ शुरू हुई और यही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट के तहत भारत का पहला मंजूर शुदा स्टॉक एक्सचेंज बना लेकिन पहले ये स्टॉक एक्सचेंज कुछ लोगों का एक इदारा होता था ये एक्सचेंज के मेंबर होने के अलावा इन्वेस्टर्स भी होते थे और कंपनी से हर मालूम हासिल करने के बाद ये लोग खुद ज्यादा मुनाफा वसूल करते थे जबकि आम इन्वेस्टर्स इन बातों से और बड़े मुनाफे से अनजान रहता था आजादी से कबल 1930 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अठारह के तहत तमाम तरह के कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाता था बाद में इंडियन सेल ऑफ गुड्स के तहत इन मामला को सुना जाता था लेकिन आजादी के बाद ये जरूरत महसूस की गई कि इंडियन स्टॉक मार्केट को बाकायदा मंजूरी देने के साथ उसे रेगुलेट किया जाए इसीलिए पहले कॉर्पोरेटाइजेशन के जरिए इस मामले को हल करने की कोशिश की गई लेकिन अब भी कंपनी यानी स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर और मेंबर सिक्योरिटीज की खरीदो फरोख्त का हक रखते थे सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट उन्नीस सौ छप्पन में बना और इसके रूल उन्नीस सौ सत्तावन में आए जिनमें के जरिए इस बात को यकीनी बनाया गया कि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर या तो सरमा रहेंगे या फिर वो अपने पास मैनेजमेंट का इख्तियार रखेंगे साथ ही तमाम स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा और किसी भी तरह के धोखे के नतीजे में सजा और पाबंदी का इंतजाम भी किया गया आज की पेशकश में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट उन्नीस की अहम बातों पर रोशनी डाली जाएगी अपना मुल्क अपना आई, शक्ति संविधान की नाजरीन आदाब इस्तबाल है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद नौमान भारत न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है बल्कि दुनिया की पांचवी बड़ी मीशत भी है और इसके अलावा अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के एतबार से इंडियन स्टॉक मार्केट भारतीय बाज़ार दुनिया का चौथा बड़ा बाज़ार है पिछली कुछ दहाइयों में भारतीयों समेत दुनिया के सरमाकारों ने इस बाज़ार पर अपना भरोसा जताया है दिल खोल इसमें पैसा लगाया और मुनाफा भी वसूल किया है लेकिन भारत के इस बाज़ार में जहाँ पर इतने सारे सरमायकार हैं उन सरमाकारों के हक़ के तहफ़ के लिए हमारे मुल्क में क्या कानून है ये जानना भी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट उन्नीस की आखिर क्या है ये कानून क्या इसकी ज़रूरत थी और इसका क्या कुछ फ़ायदा हमारे सरमायकार हासिल करते हैं इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान सी एडवोकेट जनाब विमल जैन साहब आपका आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्कबाल है आपके अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे सबसे पहले मैं बिमल जैन साहब से जानना चाहूँगा कि जब हम इस कानून की इस एक्ट की बात करते हैं तो आज़ादी के देखा जाए तो बहुत ही जल्द बाद में ये आ गया आखिर क्या कुछ ऐसा इसका इसकी ज़रूरत महसूस की गई उस वक्त में और ऐसा क्या बैकग्राउंड था इसका कि हमें एक ऐसे कानून की ज़रूरत थी कि जहाँ मार्केट को रेगुलेट करना और तमाम जो सरमाकार हैं उनके हकूक का तहफ़ करना जरूरी था देखिए बहुत ज़रूरी है दर्शकों का जानना कि ये सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स आया क्यों तो आपको इसके लिए इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा जब आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो सबसे पहले मैं कुछ आपको फैक्ट एंड फिगर्स देना चाहता हूँ दर्शकों को बताना चाहता हूँ पहली जो ट्रांजेक्शन हुई थी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज की वो हुई थी 1875 में 1875. तो आप सोचिए सो 1875 में पहला ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ था। जब 1875 से हमने स्टार्ट किया तब कोई रेगुलेशन हमारे यहाँ नहीं था जब रेगुलेशन नहीं था अनरेगुलेटेड था तो आपको मालूम है जब अनरेगुलेटेड होगा तो मल्टीपल मॉल प्रैक्टिस चालू हो जाती हैं वो किस तरह की प्रैक्टिस होती हैं कि आपकी प्राइसिंग स्पेकुलेशन होने लगता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होने लगती हैं ट्रांसपेरेंसी होती नहीं मार्केट के अंदर तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें पिछले प्री यू नो इंडिपेंडेंस आपने ब्रोकर को पैसा दे दिया शेयर्स परचेज करने के लिए अब ब्रोकर ने परचेज किया या नहीं किया आपने जिससे खरीदा उसने पैसे ले लिए और शेयर्स आपको दिए नहीं तो इतनी सारी जो अनरेगुलेटेड चीज़ें थी जिसमें फ्रॉड होता था माल प्रैक्टिसेस होती थी प्राइस जो होती थी जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था तो इन चीजों को कैसे किया जाए किस तरीके से किया जाए तो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ लेकिन कुछ और चीजें आपको मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा अप टू 1930 जो परचेस सेल जो होती थी सीएस से, से, के अंदर सिक्योरिटीज के अंदर वो गवर्न होती थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से 1930 से लेकर 1956 तक एक गवर्न होता था सेल ऑफ गुड्स एक्ट से so, यानी सिक्योरिटीज रेगुलेशन कंट्रोल के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे पास नहीं। था ही नहीं और हम स्ट्रगल कर रहे थे अनरेगुलेटेड मार्केट से हम स्ट्रगल कर रहे थे मॉल प्रैक्टिस कितनी सारी गलत प्रैक्टिस चल रही थी फ्रेडुलेंट चल रही थी और प्राइस स्क्यलेशन हो जाता था कभी बढ़ता था कभी घटता था रियलिस्टिक पिक्चर हम सबके सामने नहीं आती थी तो इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाता था उसके राइट right को कौन प्रोटेक्ट करेगा इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस कौन देगा आज आपने कहा कि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत चौथा बड़ा बाजार है वर्ल्ड वाइड तो जब वर्ल्ड वाइड हम बात कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी सेवन परसेंट से ग्रो कर रही है और हम फोर्थ पोजीशन पे हैं तो ये कैसे संभव हुआ यानी इतनी प्रॉब्लम से हमने स्टार्ट किया और फिर आया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी में रूल्स बनाए गए और रूल्स क्यों बनाए गए जब जब जो चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी वो रूल्स में आते रहे तो ये बैकग्राउंड था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का किस तरह की अगर हम अनफेयर बिजनेस की बात करते हैं या अनफेयर ट्रेड की बात करते हैं किस तरह के ऐसे मामले सामने आ रहे थे क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ चीज़ें तब्दील हुई थी ऐसे कुछ हालात बने थे वो भी मैं जानना चाहूँगा हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी जाने कि किस तरह का अगर हम अनफेयर ट्रेड की बात करते हैं तो क्या कुछ हो रहा था इंडियन मार्केट में देखिए इंडियन मार्केट प्री इंडिपेंडेंस अगर आप देखें नाइनटीन तक तो हम थे ही नहीं आ जाते हम गवर्न होते थे ब्रिटिश रूल्स के साथ जो इंडस्ट्री की जो जिसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं ट्रेड इंडस्ट्री की ग्रोथ बोलते हैं तब वो वहाँ इंडिया में इतनी नहीं थी तो जो भी सेयर्स के सेल परचेज होते थे वो अनरेगुलेटेड थे और उसमें कई ऐसे केसेस देखे गए जिसमें फ्रॉड हुआ ब्रोकर पैसे ले लेता था आगे आपकी बाइंग होती नहीं थी इवन आपने जिससे शेयर खरीदा है वो पैसे लेके बैठ गया और शेयर आपके पास आए ही नहीं इवन शेयर सर्टिफिकेट जिनको आप सेल परचेज कर रहे हैं वो फॉर्जरी थे तो यानी आप सोचिए इन्वेस्टर्स क्यों चाहिए देश में इन्वेस्टर्स इसलिए चाहिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आके मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर्विस सेक्टर के लिए आती हैं वो पैसा कहाँ से लाएं पैसा मार्केट से लाएंगी और मार्केट में पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा जनरल पब्लिक करेगी जब जनरल पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी और वो कंपनियां यहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाएंगी तो यानी उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है प्री इंडिपेंडेंस ये बहुत स्ट्रगलिंग थी हम सब के लिए जिसको सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ने कहीं हद तक मैं कहूँगा बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया है रेगुलेट किया है अभी अगर हम रूल्स की बात करते हैं उन्नीस के बाद की बात कर लेते हैं सत्तावन के अंदर रूल्स आ जाते हैं इन रूल्स के मुताबिक क्या कुछ अगर हमारा जो इन्वेस्टर है वो जान सके कि उसके राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है ये कानून हंड्रेड परसेंट सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 की बात करें इसका प्रियम्बल कहता क्या है इसका प्रियम्बल टू पिलर है ये बोलता है ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा कैसे करेगा बाय गवर्निंग परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सो ये ब्रॉड पैरामीटर मैंने आपको बताया यानी क्या होगा इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स का उसको प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा काम कैसे करेगा गवर्न करेगा जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है तो गवर्न कैसे करेगा ये स्टॉक एक्सचेंज के जरिए होंगी स्टॉक एक्सचेंज को रिकोगनीशन देना रेगुलेट करना और सुपरवाइज करना क्या इस कानून से पहले हमारे यहाँ कोई बाकायदा स्टॉक मार्केट किसी तरीके से रेगुलेट नहीं की गई थी या उसको अभी तक कोई मान्यता नहीं दी गई आपने सही कहा दोनों चीजें हैं मान्यता भी नहीं थी और रेगुलेशन भी नहीं था मान्यता हम किस चीज़ की मानते हैं बहुत सही क्वेश्चन किया कि स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन देना कि आप एज ए स्टॉक एक्सचेंज वर्क कर सकते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा होता यह था जब प्री इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं तो कुछ लोग मिलकर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या सोसाइटी स्टॉक एक्सचेंज बना लेते थे वही ओनर होते थे वही मैनेज करते थे और वही परचेजिंग भी करते थे बाइंग सेलिंग वही करते थे वो क्या करते थे कि जब उन्हें स्टॉक एक्सचेंज बना लिया जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है गवर्नमेंट रिकग्नाइज नहीं है तो क्या करते थे कोई भी इन्वेस्टर्स जब पैसा लगाता है उस मार्केट के अंदर उसके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए यानी कोई शेयर अगर उस अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड अनरिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज पे बाइंग सेलिंग करेगा तो देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन देती है स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी ने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज को मालूम पड़ा इसकी फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी है पैसे बढ़ने वाले हैं तो उन्होंने खुद ही आपस में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आपस में ही चीजों को अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चालू कर दिया जिसका म्यूचुअल बेनिफिट बोलते हैं तो पहले की स्टॉक एक्सचेंज ना रिकॉग्नाइज थी ना वो रेगुलेटेड थी तो क्या करते थे वो खुद अपनी बेनिफिट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अपना फायदा देखते अपना फायदा देखते थे, देखते थे। उसके अंदर इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो ठगा सा महसूस करता था प्रोटेक्टेड था ही वो प्रोटेक्ट, जो, जो दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि रेगुलेशन लाने की कहां पड़ी तो ये क्वेश्चन तो बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर लिया कि हमें क्यों जरूरत पड़ी पर ये जो मैं आपसे कह रहा था म्यूचुअल बेनिफिट जो स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज नहीं थे रेगुलेटेड नहीं थे उनको कैसे कंट्रोल किया गया दो टर्म है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर एक होता है डी म्यूचुअलाइजेशन सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया मालूम है जितने भी स्टॉक एक्सचेंज जो प्राइवेट प्लेयर्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जिनने बना लिए थे उनने कहा भैया खत्म करो अब आपको कॉर्पोरेटराइजेशन करना पड़ेगा ये क्या होता है इनसे कहा कि अब तुम एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करो सक्सेशन इन टू कंपनी कंपनी में क्यों बिकॉज कंपनी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी जी देन फ्रॉम द ओनर्स तो ने क्या कहा कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई और अगर आप उसके शेयर होल्डर हैं तो ओनर जरूर कहलाएंगे तो उन्हें कॉर्पोरेटराइजेशन कर दिया और डी म्यूचुअलाइजेशन क्यों कर दिया कि जो बेनिफिट पहले आप ड्रॉ करते थे उन्हें सेग्रीगेशन कर दिया उन्होंने कहा अगर आप ओनर हैं और मैनेज करते हैं तो आपको बाइंग राइट right नहीं होंगी आप समझिए उसने कहा कि अगर आप ओनर हो तो तुम शेयर खरीद नहीं सकते खरीद बेच नहीं कर सकते क्योंकि जो एडवांटेज तुम लेते थे वो अब बंद बंद या तो तुम ओनर और मैनेजिंग पोजीशन पे रहो या उसको छोड़ के आप बाइंग सेलिंग बाँग में बाँग आ जाओ तो आप सोचिए ये जो डिम्यूचुलाइजेशन की बात मैंने की कंपनी फॉर्मेशन जो कंपनी की बात की जिसको रिकॉग्निशन आज स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ले लीजिए जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ले लीजिए ये रिकोगनाइज है बाई गवर्नमेंट थ्रू सेबी गवर्न होते हैं रेगुलेट होते हैं सुपरवाइज होते हैं तो इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्ट हो रहा है वो पहले नहीं था जो अब हो गया तो मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि ट्रांसफॉर्मेशन ये जो बिगनिंग जिसको हम देख रहे हैं आज की डेट में आज सक्सेसफुल स्टोरी जो हम फल और फ्रूट्स आज देख पा रहे हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 की वजह से आपने सेवि की बात की अगर हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट सही काम कर रहा था फिर हमें बाद में सेबी की क्यों ज़रूरत पड़ी डेफिनेटली आपको एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए रेगुलेटरी बॉडी कौन होगी आपको बनानी पड़ेगी पहले भी थी लेकिन इनने एक गवर्नमेंट ने सोचा नहीं एक रेगुलेटरी बॉडी जो कैपिटल मार्केट को गवर्न करेगी सुपरवाइज करेगी रेगुलेट करेगी रिकॉग्नाइज करेगी क्यों चाहिए तो एक स्पेसिफिक बॉडी बना दी सेबी जो 1988 में बनी और उसके लिए एक्ट बना दिया 1992 में जी सो रेगुलेटरी बॉडी आपको आरबीआई भी तो एक रेगुलेटरी बॉडी है किसको देखती है जितने बैंकिंग है जितने बैंक है उनको देखती है तो आज स्टॉक एक्सचेंज को अगर रिकॉग्नाइज कर किया जाए कौन करेगा से भी करेगी रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है हाँ आपको हमने रजिस्टर्ड किया रिकॉग्नाइज किया कि आप गवर्नमेंट अप्रूव स्टॉक एक्सचेंज है आप अपने प्लेटफॉर्म से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं यानी जो अनऑथोराइज चीजें चल रही थी वो सारी की सारी खत्म सिर्फ रिकॉग्निशन नहीं रेगुलेट करना यानी ये हमेशा देखना बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर्स जो हो रही है वो प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज के जरिए हो रही है सारे प्रोविजन को फॉलो किया जा रहा है बाइलॉज बनाए जा रहे हैं बाइलॉज के साथ उन्हें ये भी देखा जो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज से बाहर अगर ट्रेड होते हैं तो वो परमिसेबल है, है या नहीं, या नहीं है उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है उनको प्रोटेक्ट करना स्पेकुलेशन को खत्म करना ये सारी चीजें तो से भी आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो 1988 से स्टार्ट हुई और आज की डेट में एक्टिवली मॉनिटर करती है यानी रेगुलेट करती है गवर्न करती है यानी उसके पावर है कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो इमीडिएटली वो आपको पकड़ लेगी पकड़ देगी और रोक देगी हाँ। यहां पर अब

अब आपने कहा इन्वेस्टर्स के लिए कोई नई अमेंडमेंट तो इतनी सारी अमेंडमेंट हैं इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पहले क्या होता है उसे यह मालूम होना चाहिए कि अगर मैं शेयर मार्केट में आना चाहता हूँ तो मेरे पास होना क्या चाहिए मुझे कहाँ जा अकाउंट खुलवाना है किसके पास जाना है स्टॉक ब्रोकर होते हैं ना जो लाइसेंसड होते हैं जिनको रजिस्टर्ड किया जाता है तो ये सारी चीज़ प्रोटेक्ट किसके लिए इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे कहा आप अपना अकाउंट उसी ब्रोकर के पास जाके खुलवाइए जो रजिस्टर्ड है वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी होगा तो यानी आपके लिए जो प्रोविजन है तो आपने के कैसे करनी है सो so, के अभी रिसेंटली बहुत स्टार्ट हुआ है आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए क्यों किया जा रहा है इससे ये होता है कि जब आप पैसा लगाते हैं और शेयर्स आपके नाम पे है तो इसकी जितनी भी बेनिफिट है वो आपको होनी चाहिए कल ऐसा डिस्प्यूट तो नहीं होना चाहिए ना कि आपने पैसा लगाया और कोई दूसरा व्यक्ति उस पर हक जमाने लगे तो आपकी राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए आपको रूल्स के जरिए बताया गया कि अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं और एकदम बिगनिंग में आप आना चाहते हैं आपको कोई आइडिया नहीं है तो उन्हें हैंड होल्डिंग के लिए कई रूल्स स्मॉल रूल्स वीडियोज बना के डाल दिए हैं जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि आप अगर शेयर मार्केट में बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो किसके जरिए करें आपका सेटलमेंट सेटलमेंट का मतलब होता है कई बार आप पेमेंट देंगे और आपके पास सेटलमेंट डिलीवरी कैसे आएगी ये सारी चीजें थ्रू अमेंडमेंट आपको बताई जाती हैं जैसे कि इंडिया में इतने सारे कानून हैं और हर एक कानून में कोई ना कोई लूप होल तो होता ही है तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कुछ ऐसा लगता है पर्सनली कि इस लॉ में इस कुछ क्या कहते हैं कुछ अमेंडमेंट आने चाहिए जो आपको पर्सनली लगता है कि ये चेंज होना ही चाहिए जो आपको सही नहीं लगता इस एक्ट नई ज़रूरत नए तकाजों के मुताबिक सरकार ने भी नए कानून की बात की है नए नए कानून आए हैं तो क्या इनका सवाल है कि क्या इसके अंदर भी कुछ तब्दीली कुछ चेंज आना चाहिए मैं आपको आंसर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन से करूँगा हम अगर अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी उठा लें तो क्या हम हमेशा मान सकते हैं कि हम सही हैं इम्प्रोवाइजेशन हमें टाइमली बेसिस पर चाहिए और जिस एज फैक्टर में उसके हिसाब से चाहिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में आया तब से लेके अब तक इतने बदलाव आ गए हैं बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपका क्वेश्चन सही नहीं है आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो क्या होना चाहिए मैं आपको कुछ आइडियाज देता हूँ आज हम डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ गए हैं जी हमारे जो ट्रांजेक्शन है ऑन डिजिटल मोड पर होने लगे हैं इसके लिए हमें जो मेकेज्म है जो एन और बी के ऊपर बाइंग सेलिंग होती है इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है जो ग्रेवेंस रिडिशल मैकेज होता है जहां मान लीजिए किसी इन्वेस्टर्स की कोई प्रॉब्लम है तो टाइम बाउंड मैनर पे सॉल्व होनी हो रही है आज की डेट में कमेटी है जो रोबस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लेके आई हुई है बट कई बार टाइमली बेसिस पे सॉल्व नहीं हो रहे हैं जब सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हम पेनाल्टी कैसे लगाएं तो पेनाल्टी के प्रोविजन को स्ट्रेंथन करना जैसे ही हम सामने वाले से कहेंगे तुमने नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी लेकिन पेनाल्टी में नॉमिनल लगा दूं तो वो हर बार गलती करता रहेगा लाइक like, आपका ब्रोकर है गलती कर रहा है लेकिन आपने एक नॉमिनल पेनाल्टी देकर छोड़ दिया आपको एग्जिम्परी पेनाल्टी लगानी पड़ेगी जिससे वो अगली बार ना करे जैसे मैंने इसको कहा तो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड को भी बढ़ाना पड़ेगा और मैं ये नहीं कह रहा कि आज नहीं है मैं आपसे यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज हम अच्छी जगह पे हैं लेकिन हमें और भी आगे की ओर जाना है तो अगर भारत की सक्सेस स्टोरी को आप देखें जिसको हम विकसित भारत 2047 में कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारा आ, यू नो देश जब हम पहुंचेंगे अब हम ट्वेंटी तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जी कैपिटल मार्केट हमारा यू नो मार्केट कैपिटलाइजेशन cap में फोर्थ पोजीशन पे है आने वाले टाइम पे जो आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं मैं ये एक है जो कॉन्स्टेंट है जो हमेशा हमारे बीच रहेगा और हमें ऑलवेज इम्प्रोवाइज करने के लिए ओपन रहना चाहिए और जब हम आईपीसी और सीआरपीसी में चेंज कर सकते हैं तो पुराने और दीगर कानूनों में क्यों नहीं अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं हेलो सर हम अगर रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आई एफ सी आई विच इज़ इस्टेब्लिश अंडर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट सो दे हैव इशूड एट परसेंट रिडीमेबल बॉन्ड्स डायरेक्टली टू द पब्लिक एंड विदाउट फॉलोइंग द Procedure of uh, stock exchange. So concerning the uh, the concerning the provisions of the securities contract regulation act So they can so they uh, so they can uh, directly issue the uh, stock uh, bonds to the public. Is it is it? Uh, uh, legal To answer you very straightforward section 28 of uh, securities contract regulation act clearly says Kispe applicable nahi hoga उस उस नहीं, नहीं होगा बता दिया क्लियरली बता दिया गवर्नमेंट के के ऊपर ऊपर नहीं नहीं होगा नहीं होगा आरबीआई लोकल अथॉरिटी के ऊपर नहीं होगा और कॉर्पोरेशन के ऊपर नहीं होगा, नहीं होगा। कहने का मतलब द इज रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल स्टैट्यू उनके ऊपर ये सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं।, नहीं होंगे तो समझाने के लिए अगर आप बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ही करना पड़ेगा लेकिन अगर कोई ऐसी कॉर्पोरेशन जो रजिस्टर्ड हुई अंडर स्पेशल स्टैट्यू बाई वे बाई वे ऑफ पार्लियामेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उनके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे जब एप्लीकेबल नहीं होंगे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है और सेक्शन 28 ये पावर कॉर्पोरेशन को देता है डिम्यूचुअलाइजेशन जैसे प्रोविजन को लाने की नीड क्या आती है हमारे पास डी मूचलाइजेशन जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्ट्रीनो कॉम्युनिकेशन you know, uh, में कहा फिर से मैं कहता हूं आप क्या चाहेंगे कि कुछ लोग मिलकर स्टॉक एक्सचेंज बना लें और अपने बेनिफिट के लिए उस स्टॉक एक्सचेंज को चलाएं क्या आप चाहेंगे ऐसा पहले क्या होता था स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज नहीं थे रेगुलेटेड नहीं थे तो कुछ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मान लीजिए दस लोगों ने मिलकर स्टॉक एक्सचेंज बना लिया अब बना लिया उस पर कुछ शेयर्स हैं जिसकी बाइंग सेलिंग होती है कंपनी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उस स्टॉक एक्सचेंज को देती थी जो गवर्न करते थे थ्रू बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो जैसे ही उनके पास इंफॉर्मेशन आती थी तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती थी जब उनके पास इन्फॉर्मेशन आती थी तो वो इसका एडवांटेज उठाने लगे थे म्यूचुअल बेनिफिट जब म्यूचुअल बेनिफिट का एडवांटेज उठाने लगे तो जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात है वो कौन करेगा तो यानी ये इंपॉर्टेंट नीड थी कि इस तरह की चीजों को खत्म किया जाए खत्म करने के लिए सबसे पहला काम कि इनको रजिस्टर्ड कराया जाए एज ए कंपनी सो कंपनी जो सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर यानी आप जब उसको मैनेज करेंगे कंट्रोल करेंगे तो आपकी गवर्निंग बॉडी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनको पावर नहीं दिया जाएगा कि वो बाइंग सेलिंग में इन्वॉल्व हो जाए तो डी से ये फायदा हुआ स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड हुए और रेगुलेट होना स्टार्ट हुआ इससे फायदा हम सबको हुआ आम पब्लिक आम इन्वेस्टर्स को हुआ जो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बाइंग सेलिंग सिक्योरिटीज में डील करते हैं हर भारतीय नागरिक को हुआ और यहाँ वो मकसद भी पूरा हुआ जहाँ हमने इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट की बात कही थी और एक वेलफेयर स्टेट के अंदर हर किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश की जाती है यहां हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद सवाल जवाब का दौर जारी है वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्ते है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आई और आज हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 की अभी इसमें और सवाल और जवाब का दौर बाकी है आइए पूछते हैं वो सवाल जिनके जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं जी हाँ किसका सवाल है क्या पूछना चाहते हैं सो so, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस एक्ट की अपनी एक हिस्ट्री है जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था हमारे लिए ट्रांजैक्शन के लिए फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट है जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ uh, के रिगार्डिंग बात करता है तो अगर इस एक्ट के थ्रू अगर बात की जाए तो ये ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करता है और इनसाइड ट्रेडिंग को प्रिवेंट करता है तो ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं और क्या अगर इन केस अगर कोई वायोलेट करता है वो प्रोविजन्स तो उनको क्या पनिशमेंट या फिर क्या चीज़ मिलेगी उन्हें ये क्वेश्चन है मेरा बहुत खूब यानी प्रावधान जो है वो अभी तक हमने ये तो बात कर ली कि क्या कुछ हो रहा था लेकिन कानून आने के बाद क्या कुछ हमने सख्तियाँ और पाबंदियाँ किस तरह से लगाई हैं वो है, जानना चाहती हैं प्रोविजन जानना चाहती बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है देखिए कुछ बैकग्राउंड दे दूँ जिससे हमें और क्लैरिटी मिल जाए अगर आप सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट देखेंगे तो इसमें टोटल थर्टी टू सेक्शंस हैं और छः चैप्टर में डिवाइडेड है छः चैप्टर में पहला चैप्टर है प्रलिमिनरी जिसमें डिफिनीशन वगैरह हो, होती है सेकेंड जो चैप्टर है वो स्टॉक एक्सचेंज की बात करता है रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन की बात करता है तीसरा जो चैप्टर चा, अगर आप देखेंगे वो बात करेगा कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज की चौथा चैप्टर बात करता है लिस्टिंग की अब लिस्टिंग क्या होता है मालूम है और मैंने लिस्टिंग का एग्जाम्पल आपको क्यों दिया क्योंकि आपने क्वेश्चन उठाया इन ट्रेडिंग के ऊपर इन साइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि अगर आप कंपनी के अंदर के व्यक्ति हैं और आपको कंपनी की भीतर की इंफॉर्मेशन मालूम है मान लीजिए कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और आने वाले टाइम में प्रॉफ़िट अच्छी होने वाली है तो आप इस बात का एडवांटेज उठा सकते हैं फिर आप क्या करेंगे आप मार्केट में बाई करना चालू कर देंगे तो आपके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है लिस्टिंग एग्रीमेंट में आपके पास टर्म्स एंड क्लॉजेज होते हैं कि अगर आप कंपनी के अंदर के व्यक्ति हैं जो गवर्निंग बॉडी के व्यक्ति हैं आप कंपनी की इंफॉर्मेशन बाहर पब्लिक डोमेन पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे आप उसका अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाएंगे अगर आपने किया तो जिस बंदे ने किया उसके ऊपर भी फाइन और जिस कंपनी में हुआ उसके ऊपर भी फाइन विथ इंप्रिजनमेंट ये सारे प्रोविजन हैं जो चैप्टर फाइव के अंदर हैं जिसके अंदर फाइन इम्प्रिजनमेंट प्रोसीज्योर डाले हुए हैं तो यानी स्पेसिफिक प्रोविजन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर डाले गए हैं कि आपको कॉम्पलस करने पड़ेंगे नॉन कॉम्पलस के लिए डिफरेंट डिफरेंट नॉन कॉम्प्लैंसेस के लिए आपके ऊपर फाइन लगेगी पेनाल्टी लगेगी इम्प्रिजनमेंट और यहां तक भी है कि आपके शेयर को डीलिस्ट भी किया जा सकता है तो यानी ये सारे प्रोविजन आपके एक्ट के अंदर हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग एक कंपोनेंट है बट ओवरऑल जब प्रेम्बल की हम बात कर रहे होते हैं ना हमने क्या कहा स्पेकुलेशन को रोकना है अगर स्पेकुलेशन को रोकना है तो कोई भी जो आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं या इनसाइडर इंफॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं या स्पीकुलेशन की बात कर रहे होते हैं यह सबको प्रिवेंट करता है ट्रांसपेरेंसी को लेके आता है अदरवाइज नॉन कॉम्पलस के लिए चैप्टर फाइव है डिटेल्ड प्रोविज़न है बहुत सारे फाइन पेनाल्टी और एम्प्रिजमेंट के प्रोविजन है ये तो सारे आपने प्रोविजन बता दिए अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो क्या कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि बाकी सख्ती के साथ इस कानून के ऊपर अमल किया गया है ओ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बहुत सारे आप अगर के, एक फेमस केस हर्षद मेहता जी का ले लीजिए बहुत नोन नोन केस है अब एक ब्रोकर की भी एक धारा है उसे लाइसेंसिंग करवानी पड़ेगी किस तरीके से उसे बाइंग सेलिंग अपने इन्वेस्टर्स के लिए करनी है वो सारी चीजें अगर वो माल प्रैक्टिस आंडियो प्रैक्टिस चालू कर दे तो यानी आपके लाइसेंस रद्द किया जा सकता है अगर कंपनी भी मिली भगत में जुड़ जाए तो कंपनी को पैनालाइज किया जा सकता है कंपनी को डीलिस्ट भी किया जा सकता है और उसमें टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है कि आपको कब कब डीलिस्टिंग में डाला जा सकता जा है आपकी कंपनी लास्ट पिछले तीन सालों से लॉस में चल रही है आपके एक्टिविटी है ही नहीं सिक्योरिटीज uh, के अंदर ऐसे कई प्रोविज़न डाले हुए हैं जिसके तहत कई बार एक्शन लिए जाते हैं क्योंकि इस पब्लिक डोमेन पे हम किसी इंडिविजुअल कंपनी का नाम नहीं लेते बट लॉट मेनी इंस्टेंसेस जिसमें ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं और अभी रिसेंटली भी एक सी का एक फैसला आया है हा, हम नाम नहीं ले सकते हैं लेकिन ये सिलसिला जारी रहता है जहां कहीं कुछ गड़बड़ नज़र आती है वहां पर ये कानून फ़ौर हमारे सामने आते हैं और ऐसा करने वालों पर एक्शन लिए जाते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़े मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्ट है ये रेगुलेशन एक्ट मार्केट मैनिपुलेशन को कैसे रेगुलेट कर रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन जो पहले आना चाहिए था लेकिन बाद में आया है कोई नहीं सवाल जवाब का सिलसिला है जो सवाल जहां आ जाए <laughs> कोई दिक्कत नहीं मैं आंसर देने को भी तैयार हूं। देखिए कैसे मार्केट की जो मॉल प्रैक्टिसेस है कैसे इसको रोकता है देखिए मार्केट की मॉल प्रैक्टिसेस क्या होती है हमने कहा ना कि अगर आपका इन्वेस्टर्स का राइट प्रोटेक्ट नहीं है दैट इज वॉट द डिसएडवांटेज। इसका प्रेम्बल है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है कैसे करेगा पहले स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करेगा उसको रेगुलेट करेगा उसको सुपरवाइज करेगा यानी आपको अगर परचेस सेल करना है तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ही आप कर पाएंगे फिर आप किसके जरिए करेंगे ब्रोकर जो ब्रोकर उनसे रजिस्टर्ड है यानी आपके लिए क्या फायदा हो गया कि आपको मालूम है कि मुझे किसी शेयर को खरीदना या बेचना है तो मुझे इस स्टॉक एक्सचेंज पे जाना है आपकी राइट प्रोटेक्ट हो गई किसके जरिए जाना है वो ब्रोकर जो रजिस्टर्ड है जो क्लियरिंग हाउस है उनके जरिए जाना है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस क्या है तो यानी इतनी जो माल प्रैक्टिस पहले चलती और आज की डेट में मान लीजिए आपने ब्रोकर को पैसा दे दिया और ब्रोकर ने नहीं खरीदा और कल आप किसके पास जाएंगे ये सारी चीजें खत्म अब तो जो एक बाइंग uh, सेलिंग एक शेयर परचेज एग्रीमेंट की बात होती है टर्म्स एंड कंडीशन होता है और सारी चीजें विथ रिकॉग्नाइज्ड एंड रेगुलेटेड मोड पे हो रही है इस तरीके से सारी चीजें सेव हो रही है और ट्रांसपेरेंसी देखिए पहले मुझे कुछ नहीं मालूम होता था आज सारी चीज मेरे पास पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रेडिली अवेलेबल है मुझे है, मैंने इस प्राइस पे अपना ऑफर डाला है मुझे इस प्राइस पे खरीदना है हाँ इस प्राइस पे मुझे शेयर मिल गया स्पॉट डिलीवरी है तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा और इमीडिएट मुझे आज या कल वो मेरे अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है क्या पहले होता था पहले मैं पैसा दे देता था मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे ब्रोकर ने कब मुझे शेयर्स ला के देने या जो सेलर है वो मुझे शेयर परचेज एग्रीमेंट के तहत मुझे देगा भी या नहीं देगा ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई तो यानी ये जो प्रोटेक्शन हम सबके लिए आया जो इन्वेस्टर्स के लिए आया ये हमारे कैपिटल मार्केट को स्ट्रेंथन करता है हेल्थी स्टॉक मार्केट बना रहा है और हेल्थी स्टॉक मार्केट का साइन क्या है हम फोर्थ पोजिशन पे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्यों है इतना भरोसा इतना कॉन्फिडेंस इतनी ट्रांसपेरेंसी इतने स्ट्रेंथन प्रोविजन जो इस सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के जरिए इंप्लीमेंट किए गए हैं right. so रिटेल मतलब हम सब इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल मतलब जो लार्ज बाइंग करते हैं डोमेस्टिक भी हो सकते हैं फॉरन से भी हो सकते हैं तो जितने प्रोविजन मैंने अभी आपको बताए उसको मैं रीट्रेडिंग करूंगा कि जब हमारा मार्केट रेगुलेटेड होगा और जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के जरिए होगा और मेरी बाइंग सेलिंग की ट्रांजेक्शन प्रॉपरली गवर्न होंगी सुपरवाइज होंगी तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हम जैसा है जो हम जैसा रिटेल इन्वेस्टर्स बाई सेल करना चाहता है और इंस्टीट्यूशनल चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो उनके सबकी राइट प्रोटेक्टेड होंगी यानी आप जो आज देख रहे हैं वही हो रहा है अब हमें पहले नहीं मालूम होता था कि जो हम देख रहे हैं वही हो रहा है तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं जो प्रोविजन बताए हैं कि रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ वॉट स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग द ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एंड इसको सुपरवाइज एंड कंट्रोल करना नॉन कॉम्पलेंसेज के लिए फ़ाइन एंड पेनल्टी लगाना यानी ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसी के जरिए हम रिटेल इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के राइट right की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं अपने फ़ॉर इन्वेस्टर्स की बात की है कितना हम उनका भरोसा जीत पाए हैं इन तमाम कवानी के जरिए मार्केट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए कितना जीत पाए हैं उनका भरोसा अगर ये क्वेश्चन मेरे लिए है तो हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है आज हमारे मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स लेके आ रहे हैं क्यों लेके आ रहे हैं मालूम है बजे क्या है मालूम है उन्हें मालूम है ये मार्केट जो है ये मार्केट बड़ा ट्रांसपेरेंट है यहां पे जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो बड़ी फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं और उन्हें इस मार्केट से रिटर्न मिलने वाला है आप रिटेल अगर इन्वेस्टर्स भी हैं तो आप देख लीजिए ईयर ऑन ईयर मेरा स्टॉक मार्केट 18 से 20 परसेंट का ग्रोथ दे रहा है 18 से 20 परसेंट का अगर इंडेक्स की आप बात कर लें तो जी लेकिन आप इंडिविजुअल किसी कंपनी में डाल रहे हैं तो हो सकता है कि उस कंपनी में ग्रोथ हो और उस कंपनी में ग्रोथ ना हो तो कई बार केबिएट और डिस्क्लेमर भी आता है कि आप जब शेयर कर, परचेज कर रहे हैं किसी कंपनी का तो आपको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में मालूम होना चाहिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कहां के लास्ट थ्री या फाइव इयर्स में परफॉर्मेंस क्या रहे हैं ईपीएस क्या रहा है डीपीएस क्या जैसे ही मैंने कहा ईपीएस अर्निंग पर शेयर डीपीएस डिविडेंड पर शेयर मार्केट पर शेयर क्या रहा इशू प्राइस क्या था फेयर मार्केट वैल्यू ये सारी इंफॉर्मेशन आज की डेट में स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है ट्रांसपेरेंसी इसी ट्रांसपेरेंसी की तो मैं बात कर रहा हूं तो यानी रिटेल इन्वेस्टर्स भी ये देखना चाहेगा हाँ, उसके पास इतना समय नहीं नहीं होता वो नहीं जानता कि मुझे कैसे चेक करना है कैसे वेरीफाई करना है बट डिजिटल इंडिया में तो हमने बहुत इजी कर दिया है कि जहां सब कुछ डिजिटल और एक आपके देखा जाए तो एक स्मार्टफोन के जरिए आप सबको चेक कर सकते हैं आज तो के वक्त में मैंने यही बताने की कोशिश की जब आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि जो फॉरिन इन्वेस्टर्स है वो कैसे कॉन्फिडेंस फील करता है यहीं से तो कॉन्फिडेंस आता है चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो हम सबके लिए बैकअप डेटा अगर ट्रांसपेरेंटली हमारे सामने होगा और एज पर लिस्टिंग एग्रीमेंट क्वार्टरली जो रिपोर्ट होती है वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को बतानी पड़ती है यानी ऐसा है। नहीं है एक साल की इंफॉर्मेशन वो अपना क्वार्टरली रिजल्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस सारी चीजें डाल रहे होते हैं इतने सारी इंफॉर्मेशन जब मेरे पास अवेलेबल होगी तो मैं वाकई जब इन्वेस्टर्स हूंगा तो मैं बाकायदा कैलकुलेटेड मुझे मालूम होगा इस कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है तो यानी आप अगर कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी के डेटा को देखिए अगर आप इंडेक्स की बात कर रहे थे जहां एन और बी की मैं बात कर रहा था मैं आपको चार पांच साल की पुरानी स्टोरी बता रहा हूं 18 परसेंट ऑन एन एवरेज की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर यानी मेरा मार्केट और हमारा मार्केट वाकई विकसित भारत की ओर जा रहा है बहुत तेजी से विकसित भारत की ओर हम अग्रसर हैं आगे बढ़ रहे हैं और अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारा एक्ट है इसने कैसे हमारी मदद की इन मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन द मार्केट बहुत खूब आज इसी पर चर्चा हो रही है और फिर एक ये सवाल आता है कि अब हमारा जो इन्वेस्टर है वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक है वो चाहता है जानना कि वाकई इस कानून ने कितनी मदद की है इस कानून ने जब कानून लाया गया मैं वहां से स्टार्ट करूँ कानून लाया ही इसीलिए गया था कि इन्वेस्टर्स की राइट को प्रोटेक्ट किया जाए इन पब्लिक इंटरेस्ट यानी स्टॉक एक्सचेंज को जब रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं ना स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेशन में उनके पावर्स उनकी ड्यूटीज उनके फंक्शन सारे डिजाइंड हैं स्पेसिफिक हैं उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे उनके बाईलॉज बनाए जाते हैं बाईलॉज को अप्रूवल दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू रेगुलेटरी बॉडी सेबी के जरिए यानी जो इन्वेस्टर्स के जो राइट right की प्रोटेक्शन की बात ट्रांसपेरेंसी भी मैंने बहुत कुछ कह दिया है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे आ रही है बट ये सारी चीजें जो ऑब्लिगेशन राइट ड्यूटी वोटिंग राइट प्रॉक्सी इन सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं वो ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि आज की डेट में स्टॉक एक्सचेंज को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाता है सुपरवाइज किया जाता है यानी स्टॉक एक्सचेंज अपने आप कुछ भी करेंगे ना इनके लिए बायलॉज है बायलॉज को अप्रूव करती है रेगुलेटरी बॉडी से भी अगर आपके बायलॉज में कोई कमियां हैं उसको एमेंड करने की जरूरत है तो से भी आपको इमीडिएटली इंटीमेट करेगी कि आपको ये बायलॉज चेंज करने क्यों चेंज करने हैं टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स राइट इन्वेस्टर्स की राइट को प्रोटेक्ट करना है यानी स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म जरूर है लेकिन प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली रेगुलेट और हम प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज और गवर्न कर रहे हैं अब जब इन्वेस्टर्स की बात हो रही होती है इन्वेस्टर्स इसी स्टॉक एक्सचेंज पे आके जब बाइंग एंड सेलिंग करेगा जहां उसके पास सारा डेटा अवेलेबल है सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसकी राइट टू तो प्रोटेक्ट हो ही गई ना वो अपना नफा नुकसान जान करके मैदान में, में जाएगा इसके अलावा मैं एक और चीज याद कर दूं कि मान लीजिए कभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए और आपकी आपको सुनने वाला कोई नहीं अगर आपको ऐसा लगता है ना 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 आपके पास ग्रेवेंस रिडिशल फोरम भी है आप वहां पे अपनी मेल डालिए और मेल डालने के बाद आपके पास जवाब आएगा और विद इन टाइम बाउंड मैनर में आएगा अगर टाइम बाउंड मैनर में नहीं आया तो जो चैप्टर फाइव के अंदर मैंने फाइंस पेनाल्टी इम्प्रिजनमेंट की बात की जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर है वो तब प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे यानी आप कहीं अकेले नहीं हैं

Uh, this question is very, uh, very interesting one. This is one of the act to govern buying and selling of securities on stock exchange. But when you talk about security, there are other act also like Depository Act, like SEBI Act. So you have to read uh, all you know related provision in conjunction with each other. Of course, this particular act is talking about. गवर्निंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्यूरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक एक्सचेंज आर बींग रेगुलेटेड बाई से बी सो योर फर्स्ट क्वेश्चन वॉज दैटर विद अदर एक्ट रिलेटेड एक्ट विच आर एप्लीकेबल सो यू है तो आपके माइंड में यह भी तो आएगा डिपोजिटरी एक्ट की जब बात कर रहे हैं क्या देखिए पहले सेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे सब डिजिटल फॉर्म में हो गए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए ये किसके पास होते हैं हमारे पास दो एजेंसी हैं, दो बड़ी एजेंसी हैं। एन एस डी एल एंड सी एस डी एल सी डी एस एल हाँ हाँ यस यस ठीक है आपने तो इनके पास जाके वो डिपोजिटरी में चले जाते हैं जब इनके पास चले जाते हैं तो वहां प्रोटेक्टेड रहते हैं तो यानी टरी एक्ट के जो प्रोविजन है वहां पे एप्लीकेबल हो गए अब सेबी एक्ट में जाएंगे तो सेबी क्या है सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है बट ये रेगुलेटरी बॉडी कैसे काम करती है इसके पावर क्या है ये किस तरीके से प्रोविजन बना सकती है ये कैसे बायलॉज बना सकती है तो कई बार आपको लगेगा स्टॉक एक्सचेंज के कोई अगर लॉ बनने हैं बायलॉज बनने हैं रूल्स एंड रेगुलेशन बनने हैं तो क्या सेबी ऑन देयर ओन बना सकती है क्या डेफिनेटली बना सकती है स्टॉक एक्सचेंज सेबी के पास जा भी सकता है और ये सेबी चाहे तो खुद ऑन देयर ओन स्टॉक एक्सचेंज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है तो यानी ये जो सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं इस बातों से ये निकल के आता है कि हां सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एक मदर एक्ट हो गया बाद बाकी हमारे जो जो एक्ट हैं जो सेक्रेटरीज के ऊपर एप्लीकेबल हैं उनको भी जानना जरूरी है विथ ओवरऑल होलिस्टिक जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये मदर एक्ट सभी को वो राइट दे रहा है सभी को वो यू you नो know, एक ओपनिंग uh, दे रहा है जिसमें इंपॉर्टेंटली हम इन्वेस्टर्स की राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सबसे पहले तो इसकी बात अगर हम जाएंगे तो इतिहास में जाना पड़ता है हम yes. एक कानून लेकर के आते हैं तो उसके बाद उसके तहत और जो कानून बनते हैं सबका मकसद यही होता है कि जो इन्वेस्टर से उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जाए उसको धोखाधड़ी से बचाया जाए एक आखिरी सवाल लेंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम को हम मुकम्मल करेंगे हेलो सर जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि हम लोग फिजिकल फॉर्म से डिजिट डिजिटलाइजेशन पर शिफ्ट हो गए हैं सो तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से इतने साल में जब ये डिजिटलाइजेशन का फ़ेज स्टार्ट हुआ है तो क्या क्या अब माल प्रैक्टिसेस और फॉडुलेंट एक्ट काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं आपका इस पर क्या कहना है इंक्रीज हुए ये कहना नहीं सही नहीं है सही नहीं है कम हुआ है बहुत कम हुआ है पहले के कंपैरिजन में आज हम बेटर ऑफ हैं आज हमारी प्रोटेक्शन ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है फेयर ट्रैक प्रैक्टिस बढ़ी हैं आप सोचिए पिछले मैंने बार बार एग्जाम्पल में कहा और फिर एक बार रिपीट करूँगा अपने दर्शकों के लिए पहले मेरी प्रोटेक्शन कुछ नहीं था मैंने ब्रोकर को पैसे दे दिए वो मेरी बाइंग कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे शेयर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं जिस प्राइस में मैं खरीद रहा हूं वो फेयर प्राइस है या नहीं है कैसे कंट्रोल होगा कैसे चेक होगा कौन सुपरवाइज कर रहा है कुछ नहीं होता था आज हम फिजिकल से डिजिटाइजेशन पे चले गए हैं डिजिटाइजेशन क्या है कि सारी चीज ऑनलाइन हो रही है ऑनलाइन हो रही है तो यानी हम सब देख पा रहे हैं इसे कोई भी झुटला नहीं सकता यानी डिजिटाइजेशन ने हमको एक ऐसी विंडो दे दी है जिसके जरिए एनी वन कैन वॉच एनी वन कैन सुपरवाइज एनी वन कैन कंट्रोल और इंटरवीनिंग कभी भी गलत हो रहा है तो कोई रेगुलेटरी बॉडी इमीडिएटली इंटरवीन कर सकती है पहले कहाँ था पहले तो कोई कुछ भी कर जाता था और उसकी कंप्लेन डाली जाती थी छ छ महीने बारह बारह महीने लग जाते थे मालूम तक नहीं पड़ता था गलती की किसने डिजिटाइजेशन में हम सबको मालूम है कि क्या हो रहा है तो आप देखिए जब आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा आप ही आंसर कीजिए जब हम फिजिकल से डिजिटाइजेशन की ओर पहुंच गए और हम कह रहे हैं कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक इंडिया तो नोन है हम आईटी हब की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे स्टार्टअप की बात कर रहे हैं फिनटेक कंपनी की बात कर रहे हैं सो so, जो डिजिटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं अगर ये सारे प्रोसेस मेरे स्टॉक एक्सचेंज में इंप्लीमेंट हो जाए आज आप जाइए ना मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है अगर किया है तो आपने देखा होगा आप ऑर्डर प्लेस कीजिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपके पास आपका ब्रोकर है उसके साथ आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है आप ओपन कैसे करेंगे ओपन भी आप दो मिनट में कर सकते हैं आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट डालने हैं पैन कार्ड डालना है आधार कार्ड डालना है अपना एड्रेस डाला और आपने अकाउंट ओपन कर लिया पैसे आपके डले हुए हैं आप अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए जिस कंपनी में आप प्लेस करना चाहते हैं और विद इन ए मिनट और टू अगर कोई बायर अवेलेबल है जो आपको देखेगा कि इमीडिएटली आपका ट्रांजेक्शन हो गया सो so, डिजिटाइजेशन का एडवांटेज इतना सारा एडवांटेज जो मैनुअल में कभी नहीं मालूम पड़ता था तो so, डिजिटाइजेशन में ये एडवांटेज तो है लेकिन आपने माल प्रैक्टिस की बात की क्या कम हुए बहुत कम हुए क्या आज हो रहे हैं थोड़े बहुत अफकोर्स हो रहे हैं क्योंकि देखिए जैसे ही मैं आपको डिजिटाइजेशन की बात करूंगा तो कुछ ना कुछ तो आपके पास रिस्क एलिमेंट होगा अगर मान लीजिए आपका कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन है और आपने अपना ओ किसी को बता दिया आपने ही बता दिया तो आप प्रोटेक्टेड हैं क्या यानी आपको अगर अपना प्रोटेक्शन करना है डिजिटाइजेशन वर्ल्ड में तो आपको मालूम होना चाहिए मेरे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं मुझे कब किसको क्या बताना है तो ये सारी चीजें हमारे कॉशन के साथ है हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि जब हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं और कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कहीं मेरे एंड पे तो कमी नहीं रह गई मुझे क्या करना था कैसे कंट्रोल करना था मुझे क्या इंफॉर्मेशन देनी थी आज बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओ ओटीपी आपने किसी को बता दिया तो फिर क्या होगा यानी फ्रॉड तो हो ही जाएगा लेकिन फ्रॉड होगा तो फिर उसके ऊपर कंट्रोल चेक के लिए कोई ग्रीवेंस रुडिस कमेटी है बिल्कुल है आप किसको अप्रोच करेंगे आपके पास इंफॉर्मेशन है आप अपना डेटा किसको दे सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो यानी डिजिटाइजेशन ने ब्रॉड अगर देखें तो बहुत फायदा पहुंचाया है बट थोड़ा सा कैबियत यह है कि हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ेगी हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ेगी और अगर उसके बाद भी कहीं किसी के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो उसके लिए पूरा निज़ाम है कानून है और उन्हीं कवानीन को लेकर हम हाज़िर होते हैं आपकी खिदमत में आज की पेशकश को हम ये मुकमर करेंगे मैं अपने ख़ास मेहमान का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और तमाम व्यूवर्स को कानून से मुतल कुछ अहम मालूम के साथ हम यहीं छोड़े जाते हैं फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त आदा thank you जल्दी करो यार प्लीज जल्दी दूसरा कोई मैच है क्या ऐसा ही कुछ है यार बैंक जाना है दादाजी को लेके हाँ यार उम्र होने पर कर...